जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी डीएसपी अकाउंट से जुड़ी हुई है आप तक शेयर करना चाहता हूं। हाल ही में एक ऐसा केस, ऐसी घटना आई सामने आई है जिसमें कि किसी सर्विस पेंशनर्स की मृत्यु के बाद जब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कि लगभग 30 लाख रुपये का होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, उस क्लेम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका क्लेम यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपके डीएसपी अकाउंट का कोड सही नहीं है। हम सर्विस के दौरान डीएसपी अकाउंट खुलवाते हैं और रिटायरमेंट आने के बाद उसका कोड चेंज नहीं करवाते हैं, और कोड चेंज न करने के कारण पर्सनल इंश्योरेंस जो क्लेम होता है वह नहीं मिल पाता है। उसके अलावा भी इसके द्वारा कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आप जब भी रिटायर होते हैं तो आपको अपना जो डीएसपी अकाउंट है वहाँ सर्विंग से पेंशनर्स का करना जरूरी है, तभी आपको उसकी जो बेनिफिट्स हैं वहाँ टाइम पे मिल पाएंगे दोस्तों। तो जो डीएसपी सर्विंग से डीएसपी पेंशन अकाउंट चेंज करने के लिए कोड होता है, जिसको कि आपको बैंक में जाके एक एप्लीकेशन, मैं आपको उसका प्रोसेस बाद में बताऊँगा। तो इसके संबंध में राजस्थान एक्सिस बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड रैक्सको के द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। हालांकि यह लेटर उनके द्वारा अपने साथियों को लिखा गया, अपने जिला समन्वयक को लिखा गया है, कोऑर्डिनेटर्स को लिखा गया है, लेकिन इस लेटर की महत्ता आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ में आएगी कि कितना महत्वपूर्ण ये लेटर है और हम सबके लिए जानना जरूरी है और हम सबको भी इस काम को करना होगा जो इसमें लिखा हुआ है। 15 मई 2023 को ये लेटर लिखा गया है रैक्सको के द्वारा, और ये जो रैक्सको है राजस्थान एक्सिस बैंक सोसाइटी जो कि पूर्व सैनिकों को नौकरी वगैरह देने का काम करती है। डीएसपी खाते का कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के संबंध में है। हाल ही में रैक्सको के कर्मचारी की दुर्घटना से मौत हुई, उसके परिवार को डीएसपी खाते का लाभ नहीं मिल सका क्योंकि बैंक में उसका खाता डीएसपी पेंशन के बजाय डीएसपी सेवारत था। शुरुआती दौर में ईएसएम की पेंशन शुरू होने पर डीएसपी खाता जो सर्विंग का है को डीएसपी खाता पेंशन में बदलने की जानकारी नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप पीएआई यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के दावे नामांकन दावों की स्वीकारता में देरी या फिर अस्वीकृत होती है क्योंकि सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मियों के लिए डीएसपी कोड अलग अलग है। डीएसपी कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के लिए उनके डिस्चार्ज ऑब्लिक पेंशन की तारीख से व्यक्तिगत आवेदन के साथ संबंधित शाखा में संपर्क किया जा सकता है। आपको यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी पूर्व सैनिकों तक पहुंचने का श्रम करें और उन्हें डीएसपी को सर्विंग से पेंशन में बदलने के लिए प्रेरित करें। प्रबंधक वित्त राजस्थान एक्सिस बैंक कॉरपोरेशन। इसके लिए आपको अपने बैंक में एक एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन के साथ साथ अपने पीपीओ की फोटोकॉपी, डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड से संबंधित फोटोकॉपी आपको वहां पर देनी होगी और अपने सर्विंग पेंशन अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होगा। यदि बैंक आनाकानी करता है या आपकी बात को नहीं मानता है तो आप जो एमओडी का लेटर है उसको वहाँ पर दिखा सकते हैं। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप डिफेंस एक्सपर्ट जो कि ब्रिगेडियर टू अबोव रैंक के होते हैं, बैंक में ही जॉब करते हैं, उनको आप पर्सनल उनसे बात करके अपना काम करवा सकते हैं क्योंकि जो डिफेंस एक्सपर्ट होते हैं, डिफेंस के होते हैं, उनका काम होता है कि जो भी पेंशनर्स हैं उनको और बैंक के बीच में समन्वय बनाना, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो इतनी जानकारी आज के, इतना ही जानकारी, अच्छी लगती लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।